बाबर एक ऐसा किरदार थे जो न केवल सफल थे बल्कि सौंदर्य बोध और कलात्मक गुणों से भी भरपूर थे। मुगल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जहां एक विजेता के रूप में देखा और वर्णित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा कलाकार और लेखक भी माना जाता है। आज से लगभग 500 साल पहले बाबर ने एक सल्तनत की स्थापना की जो अपने आप में बेनजीर थी। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में एक नई सल्तनत की स्थापना की। इस सल्तनत का क्षेत्रफल अफगानिस्तान समेत लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर फैला हुआ था। लेकिन बाबर का जीवन एक निरंतर संघर्ष है। आज की दुनिया में बाबर का सबसे बड़ा परिचय उनकी अपनी आत्मकथा, उनकी किताब को आज बाबर नामा या तुज़गे बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी लगातार होती असफलताओं का जिक्र भी अपनी आत्मकथा में किया है, जिसमें वो लिखते हैं, जितने दिन मैं ताशकंद में रहा उतने दिन मैं बहुत ही दुखी और तंगदस्ती में रहा। देश कब्जे में नहीं था और ना ही इसके मिलने की कोई उम्मीद थी। ज़्यादातर नौकर चले गए थे और जो कुछ साथ रह गए थे वह गरीबी के कारण मेरे साथ नहीं घूम सकते थे। एक शेर में उन्होंने अपनी स्थिति व्यक्त की है जिसका अर्थ कुछ इस तरह है, ना तो मेरे पास अब यार दोस्त हैं, ना ही मेरे पास देश और धन है, मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। यहाँ आना मेरा फैसला था लेकिन मैं अब वापस भी नहीं जा सकता। बाबर ने एक बार अपना एक शेर जमशेद बादशाह के उल्लेख के बाद एक पत्थर पर कुंदवा दिया था जो अब तजाकिस्तान के एक संग्रहालय में है। वह उनकी स्थिति की सही व्याख्या करता है। वो शेर कुछ इस तरह है, गिरफ्तेम आलम ब मर्दी व जोर व लेकिन न बर्देम ब खुद बगोर। इसका अनुवाद यह है कि बल और साहस से दुनिया पर विजय तो प्राप्त की जा सकती है लेकिन खुद अपने आप को दफन तक नहीं किया जा सकता। बाबर का ध्यान भारत की ओर कैसे आकर्षित हुआ, इस बारे में अलग अलग दृष्टिकोण दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर निशांत मंजर का कहना है कि भारत की तरफ उनका ध्यान बहुत उचित था क्योंकि काबुल में कर लगाने के लिए केवल एक चीज थी और शासकीय प्रशासन के लिए धन की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए बाबर के पास भारत की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि सिंधु नदी को पार करने से पहले उन्होंने भारत के पश्चिमी हिस्से पर पहले भी कई बार हमला किया था और वहां से लूटपाट के बाद वापस काबुल लौट गए थे। उनका कहना है कि बाबर जिस तरह से अपनी आत्मकथा शुरू करता है, किसी 12 साल के लड़के से इस तरह की हिम्मत और निश्चय की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन बाबर के खून में शासन के साथ साथ बहादुरी भी शामिल थी। बाबर के भारत के सपने के बारे में LF रुशब्रुक ने अपनी किताब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर में लिखा है कि बाबर ने सबसे थक हार कर देखकात नामक गांव में रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से वहां के माहौल के अनुकूल बनाया। उन्होंने अपने सभी दावों को छोड़ दिया और एक साधारण अतिथि की तरह गांव के सरदार के घर पर रहने लगा। यहाँ एक ऐसी घटना घटी कि जिस पर भाग्य ने यह तय कर दिया था कि इसका असर बाबर के आने वाले जीवन पर पड़ेगा। गांव का सरदार 70 या 80 साल का रहा होगा लेकिन उनकी माँ 111 साल की थी और जीवित थी। इस वृद्ध महिला के कुछ रिश्तेदार तैमूर बेग की सेना के साथ भारत गए थे। यह बात उनके दिमाग में थी और वह उसकी कहानी सुनाती थी। बाबर के बुजुर्गों के कारनामों के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनाई, उन कहानियों ने युवा शहजादे की कल्पना में एक उत्साह पैदा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय से ही भारत में तैमूर की विजय को ताजा करने का सपना उनके दिमाग में घूमता रहा। बाबर का जन्म और शिक्षा फरगना की राजधानी अंदजान में हुई थी। प्रोफेसर निशांत मंजर कहती हैं कि हालांकि उनके दोनों पूर्वज चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि शिक्षा के बिना शासन चलाना मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी। बाबर की शिक्षा भी इस्लामी परंपरा के अनुसार 4 साल और 4 दिन की उम्र से शुरू हो गई थी। चंगेज खान के वंशजों को शिक्षित करने वाले लोग वीगर समुदाय से थे। वो अब चीन के शिंजियान प्रांत में परेशान हाल में हैं, लेकिन मध्य पूर्व में उन्हें सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता था। स्टीफन डेल ने अपनी किताब गार्डन ऑफ एट पैराडाइज में बाबर के गद्य को दिव्य कहा है
और लिखा है कि यह उसी तरह प्रत्यक्ष है जिस तरह आज 500 साल बाद लिखने की शैली आम है। उर्दू के मशहूर शायर गालिब ने लगभग 300 साल बाद उर्दू में लिखने की जिस शैली का आविष्कार किया और जिस पर उन्हें गर्व भी था, ऐसा स्पष्ट और सरल गद्य बाबर ने उनसे पहले अपने उत्तराधिकारियों के लिए लिखा था। बाबरनामा पढ़ते हुए पता चलता है कि उनकी पहली शादी उनकी चचेरी बहन आयशा से हुई थी। आयशा से एक बेटी पैदा हुई थी जो 40 दिन भी जीवित नहीं रह सकी। लेकिन बाबर को अपनी पत्नी से कोई प्यार नहीं था। उन्होंने लिखा है, उर्दू बाजार में एक लड़का था बाबरी नाम का, जिसमें हम नाम का भी एक जुड़ाव था। उन्हीं दिनों मुझे उससे एक अजीब सा लगाव हो गया। इस परिवश पे क्या हुआ शैदा, बल्कि अपनी खुदी भी खो बैठा। बाबर का लिखा एक फारसी शेर है, हेच किस चू मन खराब व आशिक व रुस्वा मबाद, हेच महबूब चोत व बेरहम व बेपरवा मबाद। इसका अर्थ कुछ इस तरह से है, स्थिति यह थी कि अगर बाबरी कभी मेरे सामने आ जाता तो मैं शर्म की वजह से निगाह भर उसकी ओर देख भी नहीं पाता। भले ही मैं उससे मिल सकूं और बात कर सकूं, बेचैन मन की ऐसी अवस्था थी कि उसके आने का शुक्रिया तक अदा नहीं कर सकता था, उसके ना आने की शिकायत भी नहीं कर सकता था और ज़बरदस्ती बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी। शोम शर्मिंदा हर गह यार खुदरा दर नज़र बेनम, रफीका सुए मन बेनंदू मन सुए दीगर बेनम। और इसका मतलब है, उन दिनों मेरी ऐसी स्थिति थी, इश्क और मोहब्बत का इतना जोर और जवानी व जुनून का ऐसा प्रभाव हुआ कि कभी कभी नंगे सिर नंगे पैर महलों बगीचों और बागों में टहला करता था। न अपने और पराये का ख्याल था, न ही अपनी और दूसरों की परवाह। वैसे बाबर की सबसे प्यारी पत्नी माहिम बेगम थी, जिसके गर्भ से हुमायूं का जन्म हुआ। बाबर का एक शेर कई जगहों पर नजर आता है, नौ रोज व नौ बहार व दिलबरे खुशस्त, बाबर बह एश कोश के आलम दोबारा नीस्त। इसका मतलब है, नौ रोज हैं नई बहार हैं, शराब है सुंदर प्रेमी है, बाबर बस ऐश और मस्ती में ही लगा रहे कि दुनिया दोबारा नहीं है। प्रोफेसर निशांत मंजर कहती हैं कि बाबर ने 21 साल तक पवित्र जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर उन्हें शराब पीने के लिए महफिलें रास आने लगीं, इसलिए उनकी महफिलों में शराब पीने वाली महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है। बाबर ने उनके उल्लेख को छिपाने की कोशिश नहीं की। वह अपने पिता के बारे में भी लिखते हैं कि वह शराब के आदि थे और अफीम भी लेने लगे थे, जबकि हुमायूं के बारे में तो मशहूर है कि वह अफीम का आदि था। निशांत मंजर बताती हैं कि जब बाबर ने शराब से तौबा की तो यह उनकी रणनीति थी। उनके सामने भारत का सबसे बड़ा जंगजू राणा सांगा था, जो इससे पहले कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की सेना आधी रह गई थी। जंग के दौरान एक समय आया जब बाबर को सामने हार दिखाई दे रही थी, तब उसने पहले एक उग्र भाषण दिया और फिर शराब से तौबा कर ली। बाबर पर भारत में हमलावर होने और मंदिरों को तोड़ने, जबरन हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शांति दूत कहा जाता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर सैफुद्दीन अहमद कहते हैं कि इतिहासकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने अक्सर अकबर बादशाह और अशोक को एक मजबूत शासक के रूप में देखा और उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। इन दोनों व्यक्तित्वों को भारत के लंबे इतिहास में साम्राज्य निर्माण की नब्ज माना जाता है। इसके उलट बाबर अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद के निर्माण करने के लिए बदनाम है। बाबर का वसीयतनामा, जो उनके अपने बेटे और उत्तराधिकारी हुमायूं के लिए बनाया था, वह खुरासान में विकसित राजनीतिक विचारधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बाबर ने कई ऐसे मुद्दों की ओर इशारा किया है जिन्हें आज के राजनीतिक दल पूरी तरह से अनदेखा करते हैं या उस पर अमल करने से बचते हैं। बाबर को लंबे समय तक भारत में रहने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसने जल्द ही यहाँ के तौर तरीके अपना लिए। उसने हुमायूं के लिए जो वसीयत लिखी, वह उसके न्याय और विवेक को दर्शाता है। बाबर अपनी वसीयत में लिखते हैं, मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये कि धर्म के नाम पर राजनीति मत करो। आप अपने दिल में धार्मिक नफरत को बिल्कुल जगह ना दो। लोगों की धार्मिक भावनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का ख्याल रखते हुए सब लोगों के साथ पूरा न्याय करना।
सैफुद्दीन बताते हैं कि बाबर ने राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा में तनाव ना पैदा करने की नसीहत के बारे में भी लिखा है, जिसमें बाबर लिखते हैं कि गौकशी से खास तौर से परहेज करो ताकि इससे तुम्हें लोगों के दिल में जगह मिले और इस तरह वो एहसान और शुक्रिया की जंजीर से तुम्हारे वफादार हो जाएं। बाबर अपनी वसीयत में तीसरी बात लिखते हैं, आपको किसी भी समुदाय के प्रार्थना स्थल को ध्वस्त नहीं करना चाहिए और हमेशा पूर्ण न्याय करना चाहिए ताकि बादशाह और रियाया के बीच संबंध दोस्ताना रहें और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। बाबर के जीवन में धर्म का बहुत समावेश था और वह इस बात का उल्लेख करना कभी नहीं भूलता कि वह नमाज का पाबंद था या ये कि उसने किस समय की नमाज के वक्त अपनी यात्रा शुरू की और उस समय की नमाज वहां पढ़ी। हालांकि वो ज्योतिषियों से हालात पता करते थे लेकिन अंधविश्वास से दूर थे, इसलिए काबुल में अपने बयान में बाबर ने लिखा है कि यहाँ के एक संत मुल्ला अब्दुल रहमान थे, वे एक विद्वान थे और हर समय पढ़ते रहते थे। उसी हालत में उनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि गजनी में एक मज़ार है और अगर आप उस पर दरूद का पाठ करते हैं तो वह हिलने लगता है। मैंने जाकर देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वह मकबरा हिल रहा है। जब इसके बारे में जांच की तो पता चला कि यह मज़ार पर रहने वालों की चालाकी है। कब्र के ऊपर एक जाल बनाया गया है, जब जाल पर चलते हैं तो वह जाल हिलता है, इसके हिलने से कब्र भी हिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने उस जाल को उखड़वा दिया और गुंबद बनवा दिया। बाबरनामा में इसी तरह की कई घटनाएं हैं, लेकिन बाबर की मृत्यु अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक घटना है। गुलबदन बानो ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे हुमायूं की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए बाबर ने उनके बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाया और एक प्रतिज्ञा की। वह लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता था, लेकिन बाबा जानम ने अपने जीवन के बदले में हुमायूं का जीवन मांगा था, इसलिए यह हुआ कि हुमायूं बेहतर होते गए और बाबर बीमार, और इसी हालत में 26 दिसंबर 1530 को एक महान विजेता ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गया।